सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी मामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। चुनावी मौसम में देश की तमाम जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। ईडी से लेकर सीबीआई, सीबीआई से लेकर आईटी सब सक्रिय हैं। इसी क्रम में ईडी आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची थी। राशन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस दौरान ईडी की टीम छापेमारी करने उत्तर 24 परगना पहुंची, जहां ईडी की टीम को भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। लगभग 200 लोगों की भीड़ ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। दरअसल ईडी की टीम राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता एसके शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन छापेमारी से पहले ही 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर धावा बोल दिया। हालांकि इस हमले के बाद टीएमसी नेता एसके शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है तो टीएमसी बीजेपी पर। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। वहीं इस हमले पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक्स पर ट्वीट कर एनआईए की जांच की मांग की है। वहीं हरियाणा के पूर्व इनेलो एमएलए दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ईडी को दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकाने से अब तक 5 करोड़ रुपए का कैश मिल चुका है। इसके अलावा 3 गोल्ड बिस्किट, विदेशी शराब की 100 से ज्यादा बोतलें, विदेश में बनाई गई संपत्तियों के कागजात, 4 अवैध विदेशी राइफलों समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। ईडी ने दिलबाग के रिश्तेदारों और करीबियों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि दिलबाग सिंह यमुनानगर से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक रह चुके हैं। दिल्ली से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर हरियाणा ईडी कहीं समन भेज रही है तो कहीं ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली तथा कथित शराब घोटाले को लेकर समन भेज रही है तो दूसरी तरफ जमीन घोटाले को लेकर ईडी 7 बार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को समन भेज चुकी है। दोनों ही राज्यों के सीएम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लिहाजा सवाल यही कि आखिरकार देश की जांच एजेंसियां चुनावी मौसम में ही क्यों एक्टिव मोड में नजर आती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।